हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अंजलि और आज हम बात करेंगे हमारा आर्टिफैक्ट्स के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम कंटेंट देख लेते हैं, कंटेंट क्या है। इसमें हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, फिर हम टाइप्स के बारे में बात करेंगे, फिर हम करेक्शन, और उसके बाद हम रेफरेंसेस देखेंगे हमने ये कहाँ कहाँ से रेफरेंसेस लिया है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आर्टिफैक्ट होता क्या है। आपका कोई भी इमेज में मिस इंटरप्रिटेशन जो आपकी इमेज को क्या करे, इमेज के रिजल्ट को डिस्टर्ब करे। ठीक है, आपकी इमेज ले आपने जो ली है उसमें कुछ भी मिस इंटरप्रिटेशन होकर होता है तो उसको हम आर्टिफैक्ट बोलते हैं। तो ये होता है आर्टिफैक्ट का मतलब। फिर उसके बाद हम बात करते हैं मोशन आर्टिफैक्ट की। सबसे कॉमन अगर कोई आर्टिफैक्ट है तो वो होता है मोशन आर्टिफैक्ट। ठीक है, इसको हम फेस मिस मैपिंग और गोस्टिंग आर्टिफैक्ट भी बोलते हैं। तो देखिए क्या होता है कि अगर आपके किसी भी बॉडी पार्ट का मूवमेंट हुआ है, ठीक है, तो कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे अंडर कंट्रोल होते हैं, जैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम अपने बॉडी पार्ट में मूवमेंट ना करें। जैसे आपने इमेज मतलब इमेज एक्वायर कर रहे हैं ब्रेन की और आपने सर हिला दिया तो उससे क्या होगा, ब्लर मूवमेंट क्रिएट होगा। तो वो आपके कंट्रोल में, आप नहीं सर हिलाएंगे तो वो ब्लर मूवमेंट नहीं आएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिस पर आपका कंट्रोल नहीं होता है, जैसे आपका रेस्पिरेशन है, पल्सेशन मूवमेंट है, स्वेलिंग है या आई मूवमेंट है, तो इनके लिए क्या होता है, अलग अलग सिक्वेंसेज आते हैं। ठीक है, अलग अलग टेक्निक होती हैं। तो ये भी लेकिन किस में आएगा, आपका मोशन आर्टिफैक्ट में। ठीक, तो ऐसे जो मतलब मूवमेंट होते हैं वो भी आपका किस में आते हैं, मोशन आर्टिफैक्ट में। फिर उसके बाद है आपका ये देखिए, ये इमेज जो हो रहा है ना, ये ब्लर मूवमेंट होकर रही है तो ऐसा लग रहा है ना जैसे आपने मतलब कोई मूवमेंट के टाइम पे ही इमेज एक्वायर कर ली। तो ये ऐसे इस तरीके का आपका इमेज क्या होगा, गोस्टिंग, ऐसा लग रहा है ना, गोस्ट जैसा। तो ये इसको हम बोलते हैं गोस्टिंग, ये आपका मूवमेंट की वजह से हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद है करेक्शन। तो करेक्शन में देखिए, एक मिनट, ये देखिए, ये मैंने एग्जांपल देने के लिए बताया था अभी कि आप सपोज़ करेक्शन, हम करेक्शन कैसे करेंगे। सैचुरेशन बैंड जो था ना आपका, सबसे पहला पॉइंट, सैचुरेशन बैंड जो होता है तो वो एक्चुअली में हमारा इमेज स्क्रीन पे कैसे दिखता है। तो देखिए, अगर आपका ये चेस्ट है, ठीक है, चेस्ट में क्या होता है, मूवमेंट होता है। आप सांस अंदर बाहर लेते हैं तो आपका चेस्ट ऊपर आएगा, नीचे आएगा, तो इस तरीके से मूवमेंट होगा। तो इस मूवमेंट की वजह से क्या होगा, आपका आर्टिफैक्ट आएगा क्योंकि आपका यहाँ मूवमेंट हो रहा है। तो अब इस आर्टिफैक्ट को कम करने के लिए आता है आपका सैचुरेशन बैंड, जो स्क्रीन पर ऐसे 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 जाली जैसा दिखता है ना, ये होता है आपका सैचुरेशन बैंड। कभी आप MRI में अगर पोस्टिंग लगे तब जाके देखिए, वहाँ पर ये ऐसा इसे बोलते हैं सैचुरेशन बैंड। तो आपका ये क्या करेगा, जो इस तरीके के आर्टिफैक्ट आते हैं इमेज में उसको कम करेगा। फिर उसके बाद है आपका रेस्पिरेटरी कंपोजिशन, जिसमें हम क्या करते हैं, होल सीक्वेंसेस लेते हैं, रेस्पिरेशन के हिसाब से सीक्वेंसेस लेते हैं। ठीक है, और क्या होता है, कार्डियक, आप सपोज थोरेक्स कर रहे हैं ना तो उसमें कार्डियक का भी प्रॉब्लम आएगा, तो आप उसके लिए ECG गेटिंग करते हैं। ठीक है, तो जिससे कि कार्डियक साइकिल का जो मोशन है वो आप एलिमिनेट कर सकें। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो चौथा ऑप्शन होता है, फेज एनकोडिंग एक्सिस स्वैप। तो इसमें क्या करते हैं कि आप फेज एनकोडिंग का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका एलियजिंग आर्टिफैक्ट या रेप अराउंड आर्टिफैक्ट। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फोल्ड ओवर आर्टिफैक्ट बोलते हैं या फेज रैपिंग आर्टिफैक्ट बोलते हैं। लेकिन ऐसा क्यों बोलते हैं, ठीक है, अब देखिए आपको मैं बता देती हूँ। सपोज़ आपका ये एक कुछ FOB आपको लेना है। ठीक है, अब इसमें जो इमेज थी सपोज़ ऐसे गोल पूरी, अब ये जो इमेज थी वो यहाँ कट होने के बाद क्या हो गई, यहाँ नहीं आ पाई। ठीक है, यहाँ आई। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है ना कि आपने यहाँ से कोई, ये जो पार्ट है वो यहाँ शो कर रहा है, तो ऐसा लग रहा है ना जैसे फोल्ड ओवर हो गई कोई चीज़, आपने फोल्ड कर दी उसको। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्या, फोल्ड ओवर आर्टिफैक्ट। ठीक है, रैपिंग आर्टिफैक्ट, एलियजिंग आर्टिफैक्ट। अब इसका अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी तो ये देखिए, आपका यहाँ पे ये जो बैक पोर्शन, इसमें एनाटॉमी में आना चाहिए, मतलब इमेज में FOV में, वो आपका यहाँ इधर साइड शो हो रहा है। ठीक है, तो ये होगा आपका एलियजिंग आर्टिफैक्ट। ठीक है, सॉरी, तो अब हम इसमें और भी देख लेते हैं इसमें क्या दे रखा है। इसमें आपका क्या होगा कि आपके एनाटॉमी अगर FOB से आउटसाइड आती है, ठीक है, और उसके बाद आपकी जो आउटसाइड है FOB वो अपोजिट साइड पे आ जाती है। ठीक है, तो वही मैंने आपको अभी बताया। फिर उसके बाद करेक्शन की बात कर लेते हैं। करेक्शन में क्या है, आप FOB इंक्रीज़ कर सकते हैं
फेज एनकोडिंग का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, इसमें कुछ टर्म हो सकते हैं आपको समझ में ना आए तो उस टर्म्स पे भी, एक एमआरआई टर्म्स पे भी मैं वीडियो बना दूंगी, लेकिन अभी आप समझने के लिए समझ लीजिए कि अगर हमें इसमें करेक्शन चेंज करना है तो हम इसमें फेज ओवर सैम्पलिंग कर सकते हैं, फेज एक्सिस स्वैप कर सकते हैं, ठीक है, और सरफेस कॉइल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एलियजिंग आर्टिफैक्ट का ये आपका है तरीका किसको कम करने के लिए, एलियजिंग आर्टिफैक्ट को कम करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका जिपर आर्टिफैक्ट, ठीक है। जिपर आर्टिफैक्ट में क्या होता है कि अगर आपका कहीं भी आरएफ लीकेज हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ठीक है, तो आरएफ लीकेज अगर आपका हुआ है तो सपोज़ आप देखिए आरएफ लीकेज होता कैसे है, बेसिकली इसका मैकेनिज्म मैं बता देती हूँ कि आपका जो रूम होता है ना, रूम वहाँ पे क्या होता है, जैसे आप सीटी स्कैन में क्या करते हैं या एक्सरे रूम में क्या करते हैं, उसको रेडिएशन को रोकने के लिए शील्डिंग लगाते हैं ना, तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक जो वेव्स हैं आपकी वो आउटसाइड द एमआरआई रूम ना जा पाएँ, उसके लिए भी शील्डिंग होती है, ठीक है, आपके एमआर में भी शील्डिंग होती है, ठीक। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका जो सबसे बड़ा पॉइंट है इसका वो ये है कि आपका ये जो आरएफ लीकेज तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपकी सपोज़ जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है वहाँ उस रूम में, अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ी हो जाती है तो वो भी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपके जिपर आर्टिफैक्ट को क्रिएट करता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए ये इस तरीके का शो होता है जिपर आर्टिफैक्ट, तो इसमें क्या होता है कि अगर आपने सपोज जिपर आर्टिफैक्ट हो भी गया है, अगर आपका लीकेज नहीं है, अगर एक पॉइंट ये भी होता है कि आरएफ लीकेज कहीं भी डिटेक्ट नहीं हो पाया, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या हो सकता है आपने दरवाज़ा जो है वो ठीक से ना बंद किया हो, तो आपका जो डोर है ना एमआरआई का वो अच्छे से बंद है, ये भी आप एक बार चेक कर लीजिए। उसके बाद आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अगर एडिशनल वहाँ पर रखी हुई है तो उसमें क्या कर सकते हैं आप, पेशेंट को वहाँ से रिमूव कर दीजिए, और अगर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है तो वहाँ पे वो चेक कराइए कि इलेक्ट्रिकल कनेक्शन में भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर उसके बाद आरएफ लीकेज साइट जो होती है, जैसे जहाँ से आरएफ लीकेज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है आपका ये जिपर आर्टिफैक्ट क्रिएट हो रहा है, तो उसको आप डिटेक्ट कीजिए, वहाँ पे करेक्शन कराइए, क्योंकि ये जो अगर आपने करेक्शन नहीं कराया तो उसकी वजह से आपको फर्दर प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी सारी इमेजेस में जिपर आर्टिफैक्ट आ सकता है। एंड सेकेंड थिंग इज़ अगर ये लीकेज का प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकता है तो हो सकता है आप मैग्नेटिज्म की वजह से इनहोमोजिनिटी क्रिएट हो जाए, उसकी वजह से और भी आर्टिफैक्ट आएँ, और बाहर का जितना भी इलेक्ट्रॉनिक अगर थोड़ा सा भी आइटम है जो खींच सकता है तो वो हो सकता है अपनी तरफ चीज़ें अट्रैक्ट करने लग जाए। तो ऐसी तरीके की चीज़ें, मतलब आरएफ लीकेज से ये सब नुकसान हो सकते हैं आपके, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका शेडिंग आर्टिफैक्ट। शेडिंग आर्टिफैक्ट क्या होता है, शेडिंग आर्टिफैक्ट आप नाम से ही समझ सकते हैं, अनइवन कॉन्ट्रास्ट होगा इसमें किसी पर्टिकुलर पार्ट में, अगर सिग्नल इंटेंसिटी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, तो वो सिग्नल इंटेंसिटी अब रिड्यूस हो गई तो वो कैसा दिखेगा आपको, वो डार्क दिखेगा, ठीक है। अब वो डार्क जब दिखेगा तो आपका ये शेडिंग आर्टिफैक्ट, उसके रीज़न क्या क्या है, ऐसा कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से शेडिंग आर्टिफैक्ट क्रिएट हो सकता है, तो देखिए आपके इनहोमोजिनिटी है, इनहोमोजिनिटी एक्चुअली क्या होता है, जैसे एक प्रॉपर पैटर्न होता है ना मैग्नेटिक फील्ड का, तो वो प्रॉपर पैटर्न जैसे इंक्रीज मैग्नेटिक गैंट्री के पास ज़्यादा है, फिर उसके बाद आपका धीरे धीरे डिक्रीज होता है, तो वो एक पैटर्न में होता है, लेकिन जब क्या होता है ये डिक्रीज या इंक्रीज करने का एक एनवायरनमेंट क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो उसको हम इनहोमोजिनिटी बोलते हैं। तो अगर आपके रूम में इनहोमोजिनिटी हो गई है, या आपके जो कॉइल है वो एबनॉर्मल है, या फिर आपने कॉइल की कपलिंग कर दी है, तो उसकी वजह से शेडिंग आर्टिफैक्ट क्रिएट होगा फिर, ठीक है। या फिर आपने क्या किया है कि जो आप अलग अलग पल्स सिक्वेंसेस क्या होते हैं, अलग अलग आप उसमें एंगुलेशन करते हैं, तो जब एंगुलेशन आपका 90 डिग्री का भी होता है, 180 स्पिन इको में होता है, ठीक है। अब अगर ये क्या है, अगर आपने मतलब पल्स सीक्वेंसेस अलग अलग दिए हैं और उसकी वजह से अनइवन एक्साइटेशन हो गया न्यूक्लियाई की, तो कभी कभी ये रेयर केसेस में होता है, मतलब कभी कभी क्या होता है, अनइवन एक्साइटेशन न्यूक्लियाई आपका शेडिंग आर्टिफैक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक रीज़न है, और फिर ओवरफ्लो है आपका एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर में, तो वहाँ पे भी शेडिंग आर्टिफैक्ट क्रिएट होगा, ठीक।
यहाँ ये इमेज है आपकी जो शेडिंग आर्टिफैक्ट को शो कर रही है, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है आपका, T2 एक्सियल इमेज ऑफ ब्रेन शो कंपैरेटिवली लेस सिग्नल इन द फ्रंटल रीजन, दिस वाज बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर लोडिंग ऑफ द कॉइल। ये आपका इम्प्रो, यहाँ पे जो आर्टिफैक्ट आया है ना इस इमेज में, वो इम्प्रॉपर आपकी को जो जैसे बोलते हैं आपने कॉइल लगाई, ठीक है, तो लोड नहीं हो पाई वो अच्छे से, तो या फिर आपकी कॉइल में ही कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो यहाँ आगे का जो आपको रीज़न है वो थोड़ा इंटेंसिटी उस वहाँ पे कम आ रही है, और जो पीछे का साइड का रीज़न है वो इंटेंसिटी ज़्यादा शो कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका शेडिंग आर्टिफैक्ट, यहाँ पीछे ब्राइट, ये देखिए ये रीज़न है ब्राइट आपका, अब आगे की इंटेंसिटी यहाँ पे कम है। फिर उसके बाद है, हाँ एक और इसमें पॉइंट बता दीजिए, T2 वेटेड इमेजेस क्या होते हैं, जिसमें आपका फ्लूइड ऑफ फैट दोनों ब्राइट दिखता है, लेकिन आपका यहाँ पे बात हो रही है सिग्नल इंटेंसिटी की, तो आगे डार्क है और पीछे ब्राइट है, यहाँ डार्क है और यहाँ ब्राइट है, ठीक है। तो ये शेडिंग आर्टिफैक्ट, इसकी हम करेक्शन कैसे करते हैं, शिमिंग। शिमिंग उस प्रोसेस को बोलते हैं जो आपको आपके मैग्नेटिक फील्ड को होमोजेनस बनाता है, एक पैटर्न देता है, ठीक, तो उसको बोलते हैं शिमिंग, ठीक है। शिमिंग कर सकते हैं आप, ठीक है, या फिर आप कॉइल क्या कीजिए, लोड कीजिए अच्छे से, या आप क्या कीजिए, प्रॉपर साइज़ की कॉइल लीजिए, ठीक है, और क्या होता है पेशेंट से मतलब कॉइल टच ना हो उसको प्रिवेंट कीजिए, ठीक है। आप जिन्हें ज़्यादातर देखा होगा जो कॉइल होती है बॉडी मैट्रिक्स वगैरह वही टच होती हैं, और कुछ कॉइल क्या होती हैं जो हेड मैट्रिक्स वगैरह है उसमें थोड़ा डिस्टेंस रहता है, तो वो अलग अलग कॉइल और अलग अलग सिस्टम है, वो आप बॉडी पार्ट के हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ स्कैनिंग पैरामीटर एंड सेट एम्पलीट्यूड ऑफ द अप्लाइड RF पल्स एंड इमेजेस आर रिक्वायर्ड विद द लेस एम्पलीफिकेशन टू अवॉइड ADC ओवरफ्लो, ठीक है। स्कैनिंग पैरामीटर्स क्या होते हैं, स्कैनिंग पैरामीटर्स यहाँ पे होते हैं आपके TR है, TE है, ठीक है, TE है, ठीक है, TR होता है आपका रिपीटेशन टाइम, टाइम टू इको होता है, ये आपके पैरामीटर्स के अंडर में आते हैं, ठीक है। TR है, TE है, अगर IR इन्वर्जन पल्सेस चल रहे हैं तो IR है, ठीक है, और उसके बाद नंबर ऑफ एक्साइटेशन होते हैं आपके, ठीक है, फेज एनकोडिंग का डायरेक्शन होता है, ये सब चीज़ें जो होती हैं ना वो आपकी क्या होती हैं, स्कैनिंग पैरामीटर्स आपके MRI में, ठीक है। तो ये आपके अलग अलग सीक्वेंस के हिसाब से अलग अलग इनकी वैल्यू होती है, ठीक। तो ये काम होता है सेट करने का रेडियो टेक्नोलॉजिस्ट का, ठीक। फिर उसके बाद है ट्रंकेशन या रिंगिंग आर्टिफैक्ट, ठीक है, इसको हम स्पेक्ट्रल लीकेज भी बोलते हैं, ठीक है। फिर इसमें दे रखा है दिस, एक मिनट, इसमें दे रखा है आपका दिस आर्टिफैक्ट अराइजेस एज अ कंसीक्वेंस ऑफ यूजिंग द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन टू रिकंस्ट्रक्ट एन MR इमेज, दे टिपिकली अपीयर एज स्ट्रेट लाइन और सेमी सर्कुलर पैरेलल इमेजेस इमीडिएटली एडजस्टमेंट टू द हायर कॉन्ट्रास्ट इंटरफेस सच एज बॉर्डर बिटवीन द मसल्स फैट CSF एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब मैं बता दी थी ट्रंकेशन आर्टिफैक्ट आपको कैसा दिखेगा, जैसे कोई चीज़ जैसे पानी में बूंद गिरती है ना, तो ऐसे इफेक्ट आता है, देखिए यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं इसमें, यहाँ इमेज में आप सबसे पहली बात तो ये एक बहुत अच्छा एक कहते हैं स्किल्स की बात है कि आप इमेज में MRI की इमेज में एक तो आप MRI सीक्वेंस के हिसाब से इमेज देखना सीख जाएं, और उसके बाद आप इमेज में ये भी पता लगा लें कि आपका आर्टिफैक्ट है कौन सा आर्टिफैक्ट है, किस रीजन में हो रहा है। अब यहाँ पर रिंगिंग आर्टिफैक्ट है, ये आपको कैसे पता चलेगा, ये देखिए ये हो रही है ना, यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज़ जैसे ये वाइब्रेशन जैसा, यहाँ ऐसे लाइंस आ रही हैं ना, लाइंस यहाँ पे आपको जूम करके दिखा रही हूँ, तो ये होता है आपका ट्रंकेशन आर्टिफैक्ट। यहाँ पे दे रखा है T1 वेटेड एक्सियल इमेज ऑफ द ब्रेन शो डार्कर लीनियर आर्टिफैक्ट अलोंग द पेरीफेरी ऑफ द ब्रेन। पेरीफेरी क्या होता है, जो आपके साइड से एजेस होते हैं ना उसको बोलते हैं पेरीफेरी, तो यहाँ ये पेरीफेरी है आपका रीजन, उसके पास देखिए जूम करके ये लाइंस दिख रही हैं ना आपको, ये लाइन, तो ये होता है आपकी ट्रंकेशन आर्टिफैक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद आपका देख रखा है दीज आर्टिफैक्ट्स आर पर्टिकुलरली प्रॉब्लमेटिक इन द स्पाइनल इमेजिंग वेयर दे मिमिक अ सिरेंस और वाइडनिंग ऑफ द कॉर्ड।
ये जो ट्रंकेशन आर्टिफैक्ट है मेनली कहाँ आपका प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जहाँ आपका जैसे मसल है बॉर्डर, आपका मसल्स के बॉर्डर हैं, या फिर आपका फैट जहाँ पे हो रहा है, या CSF के प्रॉब्लम, और सबसे ज़्यादा ये आपका मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करता है सबसे ज़्यादा तो आपका है स्पाइनल कॉर्ड, और उसमें भी क्या है आपका लंबर रीज़न। ठीक है, तो इसके लिए करेक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं, करेक्शन के लिए आप फेज एनकोडिंग स्टेप्स को बढ़ा दीजिए। सपोज़ आप पहले यूज़ करते थे फेज एनकोडिंग मैट्रिक्स का साइज, सपोज़ आप यूज़ करते थे 256 × 128 और अब आप यूज़ करते हैं 256 × 256 मैट्रिक्स। ठीक है, उसके अलावा है आपका मैजिक एंगल। ठीक है, ये आपका एक MRI आर्टिफैक्ट ऐसा है कि जो आपका थोड़ा एंगल पे डिपेंड करता है। तो जैसे आपके लिगामेंट्स और टेंडन्स होते हैं ना, लिगामेंट्स और टेंडन्स कहाँ होते हैं, देखिए सपोज आपका ये है यहाँ, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना जैसे एंगल जैसा बन गया है कुछ, ये देखो आर्टिफैक्ट आ गया ना यहाँ पे, ये आपका है यहाँ नी का। ठीक, तो यहाँ आपका इमेज अलग है और यहाँ आपकी इमेज अलग है, ये दोनों इमेज अलग अलग हैं। तो यहाँ पे ये जो आर्टिफैक्ट आ रहा है ना, एक मिनट जूम आउट कर देती हूँ, ये जो आर्टिफैक्ट आ रहा है इसको आर्टिफैक्ट, तो मैजिक एंगल आप ये याद रखिए, कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट्स हैं जो पर्टिकुलर रीजन में ही शो करते हैं। जैसे आपका मैजिक एंगल आर्टिफैक्ट ज़्यादातर कहाँ शो करेगा, आपका टेंडन्स और लिगामेंट्स में। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका इसमें, हाँ मैंने अब इसमें बता दिया आपको 55, हाँ इसमें देखिए फिर एंगल का भी बता रखा है 55 टू मेन, ठीक है 55 डिग्री का ज़्यादातर एंगल होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद करेक्शन इसमें दे रखा है कि आप इसमें लॉन्गर TE का यूज़ कीजिए। ठीक है, और फिर है आपका हेरिंग बोन या क्रिस क्रॉस आर्टिफैक्ट। ठीक, तो अब आपका तो ये आपका जो आर्टिफैक्ट है वो आपका जो हेरिंग बोन होता है ना उसकी फैब्रिक जैसा आपको नज़र आएगा। ठीक है, जैसे इमेज में आप देख लीजिए क्रिस्क्रॉस आर्टिफैक्ट, लॉस ऑफ सिग्नल डाटा पॉइंट और डाटा लाइंस इन द एक्विजिशन प्रोसेस ड्यू टू स्पाइक फॉर्म ऑन द एक्सटर्नल इंटरफेस सिग्नल और टू एरर इन द सिग्नल प्रोसेसिंग कैन लीड टू अ वेरिएबल डिग्री ऑफ आर्टिफैक्ट समटाइम्स शोइंग क्रिस्क्रॉस या हेरी बोन पैटर्न। ये हो रहा है ना यहाँ आर्टिफैक्ट, सॉरी ये हो रहा है ना, ठीक है यहाँ जो आर्टिफैक्ट हो रहा है, सॉरी ये स्लाइड मूव कर रहा है। अब देखिए सबसे यहाँ पे जो पैटर्न आया है वो आपका आया है किसकी वजह से, स्पाइक्स की वजह से। ठीक है, अब देखिए इसमें यही है आपका, अगर पावर सप्लाई फ्लक्चुएट हो रहा है, ठीक है, और या फिर आपका RF पल्स में प्रॉब्लम आ रहा है, या इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पाइक्स में प्रॉब्लम आ रहा है ग्रेडियंट्स में। और सबसे बड़ी पॉइंट इसमें भी एक स्टार पॉइंट है बाकी आर्टिफैक्ट्स की तरह, इसमें स्टार पॉइंट ये है कि आपका ये आर्टिफैक्ट आपका करेक्ट हो ही नहीं सकता, आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं लेकिन आप इसको करेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो आपका जो हेरिंग बोन और क्रिस क्रॉस आर्टिफैक्ट है वो आपका सही नहीं हो सकता है, ये स्टार पॉइंट है, आप ध्यान रखिए। फिर उसके बाद है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट या ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट। अब ये और ये यहाँ पे जो आर्टिफैक्ट है ना, इसको अगर मैं एक बार में समझाऊँ, लेकिन चलो समझा देती हूँ। ये आप सपोज ये इसमें देखा है, इट रिफर्स टू अ वैरायटी ऑफ MRI आर्टिफैक्ट दैट शेयर डिस्टॉर्शन ड्यू टू लोकल मैग्नेटिक फील्ड इमेजरी फ्रॉम अ वेरियस वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स। अगर मेरा ब्रेन का MRI होना है और मैंने क्या लगा रखा है, बिंदी लगा रखी है सपोज, और बिंदी में क्या है आपका सिंपल बिंदी नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ मेटालिक कंटेंट है, तो उससे क्या होगा आपका आर्टिफैक्ट क्रिएट होगा। ठीक, अगर आपने या फिर जैसे डेंटल फिलिंग होती है, तो आपने अपर बॉडी का कराया है ना, जैसे ब्रेन का ही हो रहा है आपका, फेस रीजन तक का ही हो रहा है, तो डेंटल फिलिंग से भी ऐसा आर्टिफैक्ट आएगा आपका। ठीक है, तो डेंटल फिलिंग में आएगा आपका, या फिर आपने कुछ भी बहुत छोटा सा ज्वेलरी भी कैरी कर रखा है, ठीक है, तो वो आपके बॉडी पार्ट से अटैच है। यहाँ पे आपका ये देखिए, ये जो आर्टिफैक्ट आया है ना, ये आप ये किसी लेडी का था, उसने बिंदी लगा रखी थी और उसकी बिंदी सिंपल नहीं थी, तो ये ऐसा आर्टिफैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो ये आपका शॉर्ट में
और बहुत इजी लैंग्वेज में है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट, जो कि क्या होता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना उसमें डिस्टॉर्शन कर सकता है। डिस्टॉर्ट क्यों करता है, क्योंकि इनहोमोजेनिटी आ जाती है। पहली बात तो मशीन का है मैग्नेटिक फील्ड अलग है, फिर आपका मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब हो रहा है उसके मैग्नेटिक मैटर की वजह से जो बिंदी में प्रेजेंट है या फिर आपने जो भी कैरी कर रखा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये आर्टिफैक्ट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब इसमें दे रखा है दे आर स्पेशली इनकाउंटर वाइल इमेजिंग नियर द मेटालिक और वाइल इमेजिंग नियर द मेटालिक ऑर्थोपेडिक हार्डवेयर और डेंटल वर्क और रिजल्ट फ्रॉम अ लोकल मैग्नेटिक इनहोमोजिनिटी इंट्रोड्यूस बाय द मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट इन द होमोजेनस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है जीआरई इमेजेस में, ऐसी एसई की जो स्पिन इको इमेजेस होती हैं उनमें कम होता है, और जी ग्रेडियंट इको इमेज होती है उनमें ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। और ये डेंटल फिलिंग वाला और ये सब इनहोमोजेनिटी वाला पॉइंट था वो मैंने आपको भी बता दिया था। अगर आपकी जहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो अगर आप इसीलिए क्या करते हैं कि मेकअप भी रिमूव करा देते हैं कुछ, जैसे आप पाउडर वगैरह यूज़ करते हैं तो हो सकता है वहाँ पर बहुत रेयर केसेस में, पाउडर का बहुत रेयर केस होता है, बिंदी का ही ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है, या फिर आईब्रो के पास कुछ मेटल जैसा लगा लेते हैं ना, तो उससे वो क्या होता है जैसे ट्रेंड है आपका। और ये ज़्यादातर लेडीज़ के केसेस में क्यों होता है, लेडीज़ मेकअप कैरी करती हैं तो हो सकता है आपकी मेकअप का लेबल देखते हुए रेडियो टेक्नोलॉजिस्ट क्या करे, आपका मेकअप थोड़ा क्लीन करा दे। ठीक है, और वहाँ से आप ये भी याद रखिए कि आपकी बिंदी जो है सिंपल होनी चाहिए, वरना ये आर्टिफैक्ट क्रिएट हो जाएगा। और या फिर अगर आप रेडियो टेक्नोलॉजिस्ट हैं तो आप भी ये याद रखिए कि एक लेडी है वो उसके इस तरीके की कुछ भी मेकअप से या क्या बोलते हैं उससे, जैसे बिंदी अगर उसने यहाँ आर्टिफैक्ट जो आ रहा है बिंदी की वजह से, वो इस तरीके की चीज़ों से आर्टिफैक्ट क्रिएट होगा, तो आप ये याद रखिए। इसको हटाना भी है आपको, तो इसकी वजह से यहाँ पे अब देखिए क्या हो रहा है, ग्रेडियंट होमोएक्सियल इमेज ऑफ द ब्रेन शोज ब्लीड इन द राइट पेरी सिल्वियन रीजन। ठीक है, एरोज बना रखा है यहाँ पे आपका है, ये ब्लीडिंग की वजह से है, और ये क्या है आपका, ये तो ब्लीडिंग की वजह से चलो हो गया, लेकिन आपका यहाँ पे क्या है आपका आर्टिफैक्ट, ये रीज़न है इसका। नेक्स्ट आर्टिफैक्ट, सॉरी इस करेक्शन की बात कर लीजिए, आप वहाँ से जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वहाँ से सारे मेटल्स को रिमूव कर दीजिए, फिर उसके बाद आपका आप स्पिनिको सिक्वेंसेज यूज़ कर सकते हैं इसमें, या फिर आपकी जो फास्ट सिक्वेंसेज होते हैं या मोशन करेक्ट सिक्वेंसेज, और भी तरह तरह के सिक्वेंसेज आते हैं, जैसे आपका ब्लेड है, ब्लेड को प्रोपेलर सिक्वेंस भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर आप क्या करते हैं T1 को रिड्यूस कर दीजिए, थिन स्लाइसिस का यूज़ कीजिए, हायर मैट्रिक्स का यूज़ कीजिए, ये सब आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका स्लाइस ओवर या क्रॉस टॉक आर्टिफैक्ट। ठीक, देखिए आइडियल स्लाइस इस तरीके की होनी चाहिए, लेकिन जो आप स्लाइस लेते हैं वो उसका ऐसा शेप नहीं होता है, ऐसे होता है, तो ये जो ये रीज़न है ना यहाँ पे, इसकी वजह से जो आर्टिफैक्ट होता है इसको बोलते हैं क्रॉस एक्साइटेशन और क्रॉस टॉक आर्टिफैक्ट। ठीक है, इमेज इस तरीके की शो हो गई आपको, तो इसकी थ्योरी एक बार देख लीजिए। इस थ्योरी में दे रखा है, अगर आप ये जो स्लाइस आर्टिफैक्ट, ये स्लाइस ओवर आर्टिफैक्ट है ना आपका, इसको हम MSMA के लिए भी जानते हैं, मतलब जैसे इसका फुल फॉर्म होता है MSMA का, मल्टी स्लाइस मल्टी एंगल एक्विजिशन। जब आप इस तरीके का एक्विजिशन करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, आपकी जो स्लाइस लिया है ना आपने, अगर वो पैरेलल नहीं है, आपने अगर उसमें मल्टी स्लाइस मल्टी एंगल एक्विजिशन लिया है, तो इस तरीके का आर्टिफैक्ट आएगा जिसमें आपका क्या होगा कि डार्क बैंड बन जाएगा। आपने एक्सियल स्लाइसेस लिए तो उसमें क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डार्क बैंड बन जाएगा। अगर सपोज आपका लंबर स्पाइन का है और ये एग्जांपल है, तो यहाँ पे लास्ट में ये जो डार्क बैंड बन रहा है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्लाइस ओवरलैप। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें दे रखा है दिस कॉजेज बैंड अ बैंड ऑफ सिग्नल लॉस क्रॉसिंग हॉरिजॉन्टली इन योर इमेज। ठीक है, तो यहाँ से ये जो बैंड बन रहा है ना, इसमें क्या हो गया। ठीक है, तो यही सिंपल इसका था फिनोमिना। फिर इसके बाद इस एक बार इस लाइन को भी देख लीजिए कि द एनर्जी फ्लिप्स NMB ऑफ दीज न्यूक्लिया इन टू द ट्रांसवर्स प्लेन, सो दे आर सेचुरेटेड वेन दे आर एक्साइटेड बाई देयर ओन RF एक्साइटेशन। दिस इफेक्ट कॉन्ट्रास्ट
फिनोमेना इज नोन एज क्रॉस एक्साइटेशन. ठीक है, तो यहाँ पे MSME की वजह से सपोज आप NMV है आपका ट्रांसवर्स प्लेन में आपने जब कन्वर्ट किया, ठीक है, तो वो सेचुरेट होंगे, एक्साइट होंगे, तो वहाँ पे क्या होगा अगर इमेज कंट्रास्ट जो है, जैसे सपोज ये आपका एक्चुअल स्लाइस आइडियल होना चाहिए जैसे, और एक्चुअल स्लाइस का शेप आपका ऐसा है, ये आप अपने यहाँ पे ये जो क्या बोलते हैं इमेज यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है या फिर एक्साइटेशन न्यूक्लियाई का एक्सचेंज हो रहा है, इसको हम क्रॉस एक्साइटेशन, और यहाँ पे यही चीज़ बैंड बनाएगी, ठीक है, और यही चीज़ सिग्नल लॉस करेगी. तो यही पॉइंट्स में बता रखा है, यही इसमें भी बता रखा है. फिर उसके बाद है आपका इसके करेक्शन के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो ये MSMA की वजह से हो रहा है, और पैरेलल हम क्या कर रहे हैं इमेज उसमें जो एक्वायर कर रहे थे पैरेलल इमेज वो आपका सही स्पेसेस पर नहीं था. तो इसका सबसे पहला तो यही है कि आप इंटरस्लाइस गैप को इंक्रीज कर दीजिए. ठीक, इंक्रीज हो जाएगा तो ये काफ़ी हद तक करेक्ट हो जाएगा. फिर उसके बाद है आपका स्कैनिंग विद इंटरलिंक्ड स्लाइसेस. ठीक, फिर उसके बाद है क्रॉस टॉक आर्टिफैक्ट कांट बी कन्वर्टेड. ठीक है, तो ये भी आपका पॉइंट याद रखने का है, वरना इसका सिंपल यही है आपका कि आपने जो अप्लाई किया है ना, मतलब जो स्लाइस गैप उसको आप इंक्रीज कर दीजिए, सिंपली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. ठीक है, फिर उसके बाद है आपका केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट. तो इसमें आप देख लीजिए, इसमें ये लास्ट आर्टिफैक्ट है आपका, ये क्या होता है केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट. हाँ, अगर आपसे कोई MCQs में ये पूछता है कि आपका केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट किस प्रोसेस में एज अ बेस यूज़ किया गया है, तो ये होता है आपका MR स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो ठीक है, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ रिक्वेस्ट आई थी कि मैम MR मतलब MCQs भी बता दीजिए, तो आपने जो मैंने स्टार पॉइंट्स बताए हैं आप उनको एज अ MCQ प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है, तो लेकिन जिनको सिर्फ आर्टिफैक्ट चाहिए तो उनके लिए भी बता देती हूँ. तो ये जो फैट है और वाटर है उसके, ये क्या होता है केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट, शिफ्टिंग मतलब जैसे प्रोटॉन्स होते हैं ना, अलग अलग न्यूक्लियाई होते हैं, वहाँ पे क्या होगा ये रेजोनेंट डिफरेंस क्रिएट करेगा. ठीक है, जैसे ड्यू टू डिफरेंस इन रेजोनेंट ऑफ रेजोनेंस ऑफ एनवायरमेंट. फिर उसके बाद इसमें ये पॉइंट जो दे रखा है ना, द फोटोन्स ऑफ फैट रेजोनेट एट अ स्लाइटली लोअर फ्रिक्वेंसी देन डोज ऑफ वाटर. तो ऐसा तो होता ही है, जो वाटर के प्रोटोन्स हैं और जो फैट के प्रोटोन्स हैं उनकी जो प्रेसिस करने की फ्रिक्वेंसी है वो होती है वो अलग अलग होती है, और ये सिर्फ वाटर प्रोटोन्स में, अगर आप स्मॉल मेटाबोलाइट्स को भी देखेंगे तो उनके प्रोसेस करने की जो, और उनका जो पीक लेवल जो मेटाबॉलिक पीक होती है ना, उनका लेवल देने की भी जो टेंडेंसी है वो अलग अलग होती है. तो इन्हीं में जो केमिकल्स की पीक में या प्रेसेशनल फ्रिक्वेंसी में जो डिफरेंस होता है ना, जो उन दोनों की, अब सपोज वाटर्स अलग स्पीड पर प्रोसेस कर रहे हैं और ये फ्रिक्वेंसी के साथ, और ये फैट के प्रोटॉन्स अलग कर रहे हैं, तो उन दोनों में क्या जो है डिफरेंस है ना, उसको हम केमिकल शिफ्ट बोलेंगे. ठीक है, फिर उसके बाद है इसमें देखा है सबक्यूटेनियस फैट आपका क्या होता है ऑर्गन्स के अंदर होता है. फिर डार्क एजेस में क्या होता है, डार्क एजेस एट द इंटरफेरेंस बिटवीन द फैट एंड वाटर एज ऑन द वन साइड एंड ब्राइट एज ऑन द अदर साइड ऑफ द फैटी स्ट्रक्चर और लेजाइन. ठीक है, तो इससे डार्क और लाइट एज का भी प्रॉब्लम जैसे आ सकता है, जैसे फैटी स्ट्रक्चर और वहीं वाटर का कोई इंटरफेस है तो वहाँ पे ये लाइट और डार्क बैंड शो कर सकता है. ठीक है, तो जैसे इसमें एरो में शो कर रखा है, तो इसमें दे रखा है कि आपका केमिकल शिफ्ट मिस रजिस्ट्रेशन, ये भी दो तरीके के होते हैं, एक केमिकल शिफ्ट मिस रजिस्ट्रेशन होता है, एक इंटरफेरेंस आर्टिफैक्ट होता है. तो इसमें इतना डिटेल में ये नहीं दे रखा है, लेकिन मैंने आपको ऐसे ही बता दिया है, एक आपका केमिकल शिफ्ट मिस रजिस्ट्रेशन होता है, एक आपका होता है इंटरफेरेंस. तो ये जो हुआ है ना आपका, ये मिस रजिस्ट्रेशन की वजह से हुआ है. ठीक, और इसका करेक्शन यही है कि आप फैट को सप्रेस कर दीजिए, वेंट विथ को इंक्रीज कर दीजिए. ठीक, फिर इसके बाद हमने रेफरेंस दिया है आपका रेडियोपीडिया से, कुछ स्लाइड शेयर से, और एक बुक है MRI मेड इजी. ये बहुत 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 अच्छी बुक है, आप इसको ज़रूर, अगर आप MRI करना चाहते हैं तो आप इसको ज़रूर रेफ़र कीजिए. और ये PPT है मेरे एक फ्रेंड की खुश जैन, तो उसको भी थैंक्स, और आपका भी इस चैनल को विज़िट करने के लिए थैंक यू. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है
तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आई थिंक इस लॉकडाउन में ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आपके एग्ज़ाम्स की भी तैयारी अच्छी हो, तो उसके लिए भी बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय।